राधे राधे जी, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल वासु टिप्स फॉर होम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कनेर के फूल द्वारा कैसे आप वशीकरण कर सकते हैं उसका उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, हर फूल का अलग अलग महत्व होता है, उसमें अलग अलग शक्ति होती है। ऐसे ही जो कनेर का फूल होता है उसमें बहुत ही आकर्षण शक्ति होती है। अगर इसका उपयोग किया जाए सही ढंग से तो निश्चित ही वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने वासु टिप्स फॉर होम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कनेर का फूल में बहुत ही आकर्षण शक्ति पाई जाती है। आपको कोई सा भी कनेर का फूल मिल जाए, सफ़ेद भी होता है, देखिए पीला भी होता है, लाल भी होता है, किसी भी तरह का अगर आपको कनेर का फूल मिल जाता है तो उसको आपको देखिए किसी भी अच्छे दिन में लेकर आए, जैसे शुक्रवार का हो गया, गुरुवार का हो गया, बुधवार का दिन, स्नान करने के बाद ही उस फूल को आपको लाना है। और साथ ही आपको थोड़ा सा गाय का मतलब देसी घी लेना है। आप अपने घर के मंदिर में ही उस फूल को देखिए, आपको थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर मतलब अपने मंदिर में रखना है। और साथ ही आपको थोड़ा सा गाय का घी भी लेना है। उस फूल के अंदर आपको उस फूल को अच्छे से मतलब जैसे मसल लेना है या पीस लेना है कह लीजिए, और जितनी मात्रा उसकी है उतनी ही मात्रा आपको गाय का मतलब घी लेना है। थोड़ा सा घी ले लें और साथ ही आपको देखिए सफ़ेद चंदन आपके घर में होगा ही तो आप थोड़ा सा चंदन भी ले सकते हैं। और आपको देखिए प्रार्थना करनी है अपने इष्ट देवता से कि हम किस कार्य के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद इस तिलक को अपने माथे पर लगा कर उस व्यक्ति के सामने जाएँ। देखना अगर आप डेली मतलब उस चंदन में से थोड़ा सा टीका लगा कर जाते हैं तो वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपकी हर बात सुनेगा। दोस्तों, कहने का मतलब है कि वो आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपकी तरफ आकर्षित होगा। दोस्तों, इसका उपयोग बहुत ही लोगों ने किया है और इसका व्यापार के लिए अपने रोज़गार के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, जिन भी लोगों के व्यापार में मतलब ग्राहक नहीं आते तो आप अपने रोज़गार पर भी मतलब इसका तिलक करके जा सकते हैं। देखना आपकी दुकान में मतलब ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी, क्योंकि इसमें एक आकर्षित शक्ति होती है। अगर इसका डेली आप प्रयोग करें तो आपको निश्चित ही इसका प्रभाव दिखेगा। दोस्तों, इसका प्रयोग करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को राधे राधे।